नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम लविन शुक्ला है और मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं दोस्तों मोदी केयर में। पिछले 4 साल से सक्सेसफुली मैं मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रही हूं और दोस्तों आज मैं स्वागत करना चाहती हूं आप सभी का हमारे इस शानदार बेहतरीन कमांडो ट्रेनिंग में, जो कि लगातार इतने दिनों से चल रही है और आपको मौका मिल रहा है कि घर बैठे कैसे हम इस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट और बिल्ड कर सकें। तो दोस्तों थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। मोदी केयर मैं पिछले 4 सालों से कर रही हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले मैं विदेश मंत्रालय के लिए जॉब कर रही थी। विदेश मंत्रालय की एक यूनिट होती है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर एंड रिसर्च, उसमें मैं जॉब करती थी दोस्तों। लेकिन बच्चों की देखरेख के कारण मैंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को क्विट किया। देन आई स्टार्टेड माई ओन सलोन। मेरे एक सलोन के क्लाइंट ने दोस्तों मुझे मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया और मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए से पिछले 4 सालों में दोस्तों जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। जो सपने हम देखते थे वो सपने हमने यहाँ से पूरे किए। एक मकान खरीदा 2BHK कंपनी की तरफ से, हमने कार फंड अचीव किया, देश विदेश की यात्राएं करी और एक मान सम्मान भरी जिंदगी दोस्तों हमने जीना शुरू कर दिया। एक आम जिंदगी से खास जिंदगी का ये जो सफर दोस्तों हमारा बनना शुरू हुआ, इसमें मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कंपनी मैनेजमेंट का, सुरेखा मैम का, निशांत भैया का और हमारे सभी ग्रेट अप्लायंस का, जिन्होंने हमें इस मुद्दे के बारे में बताया। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज हम जिन कमांडोज को सुनने वाले हैं, क्योंकि मोदी केयर ने क्रिएट की है लॉकडाउन हिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे योद्धा तैयार किए गए हैं जो कि आजादी, जो हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट है समीर मोदी सर के अनुसार, कि आजादी को हम प्रमोट करते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को हम प्रमोट करते हैं। और ये जो सेना तैयार की जा रही है, ये जो कमांडोज तैयार किए जा रहे हैं, ये वो कमांडोज हैं जो आप और हम हैं दोस्तों। हम जिएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को, हम जिएंगे आजादी की जिंदगी। और दोस्तों इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके साथ जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच पूनम आर्या जी का, जो कि एक डायरेक्टर पोस्ट पे है, मोदी केयर में डायरेक्टर पोस्ट पे है, एक होम मेकर है, बहुत अच्छी ड्रीमर है, बहुत ही पैशनेट लेडी है। एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए भी वो इस बिजनेस को सक्सेसफुली उन्होंने अडॉप्ट किया, ग्रो कर रही हैं और लगातार तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म की सर्च में वो थी दोस्तों, ये उनके अप्लायंस के द्वारा उन्हें मिला। और आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस सफर की शुरुआत करी। सो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पूनम आर्या जी का कि मैम प्लीज आइए और आगे चलते हैं करते हैं। थैंक यू सो मच लीडर्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग ऑल, थैंक यू सो मच मुझे इतना एडिबली इनवाइट करने के लिए मैम, और इट्स माय प्लेजर एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई हैव टुडे। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारी सुरेखा मैम जी का, जो सबकी गुरुमा है। देन आई थैंक्स टू निशांत सर, जो सबको मैनेज कर रहे हैं, एंड आवर ग्रेट गुरु जो हमारे संजय बगारिया सर जी हैं, एंड नेक्स्ट हमारे जो है गुरु जो श्री अनिल गावड़े सर जी। थैंक्स टू ऑल ऑलवेज जिन्होंने हमें ये कमांडोज में आने का, जो हमें सिखाने का मौका दिया। एंड नेक्स्ट हमारी प्यारी सी गुरु जो है रोशनी दी, जो हमेशा सबको मोटिवेट करती हैं और सबको आगे बढ़ाने में ही अपनी सक्सेस और खुशी समझती हैं। तो थैंक्स टू ऑल माय अपलाइंस जिन्होंने मुझे ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी। फ्रेंड्स, जैसे लवीन जी बता ही चुकी हैं मेरे बारे में, फिर भी मैं बताना चाहूंगी, पूनम आर्या फ्रॉम दिल्ली और मोदी केयर कर रही हूँ और डायरेक्टर लेवल अचीव किया है मैंने इसमें सक्सेसफुली और पैशनेटली कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मोदी केयर नहीं था, जस्ट एक होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। कुछ सपने होते हैं हर किसी के, बट जब फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो हम अपने आप को छोड़ के अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। वो पर जब एक अपॉर्चुनिटी मिली इसकी, मुझे मोदी केयर की, तो वो फ्रेंड्स एक मन में आया कि अपने सपने पूरा करने का जो टाइम है, मैं उसे अभी, मतलब मुझे ये मिल चुका है एंड आई एम ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ मैं अपने अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और चाहती हूँ कि अपनी फैमिली को वो लग्जूरियस लाइफ जो मैं अपने अप्लायंस को देखती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे ही जैसे फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है कमांडो ट्रेनिंग का, उसके लिए बात करूंगी। 18th सेशन जो आज का है हमारा कमांडो ट्रेनिंग, जो हमारा अर्बन कलर का ब्यूटी सेशन है। तो उसमें वैसे तो मोदी केयर में, जैसे कि हम जानते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स और बहुत वाइड रेंज है, बट एक होता है कुछ पर्टिकुलर होता है, कुछ लोगों को कोई एग्रीकल्चर फील्ड पकड़ लेते हैं और कोई वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में ही ज्यादा अच्छी नॉलेज बना लेते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक फेवरेट है जो है ब्यूटी,
कॉस्मेटिक यू नो कि एवरीबडी एवरी लेडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल लाइक बोल्ड एंड ब्यूटिफुल है ना, तो वो जब हम एक मेकअप ले लेते हैं तो हम उसको फील करते हैं एंड बोल्ड फील करते हैं. तो उसके लिए जो है हमारी इनवाइट करूंगी मैं हमारी बहुत ही डायनेमिक और जो स्पेशली जो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हैं और ब्यूटी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हैं, मुंबई से हैं, मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी आर्टिस्ट हैं और दो दो सैलून चला रही थी, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं मोदी केयर में, बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपने लेवल अचीव कर चुकी हैं. तो इस रेंज को जानने के लिए उससे बेटर मुझे कुछ और समझ नहीं आता. तो आई जस्ट इनवाइट नन अदर देन हमारी संगीता विश्वकर्मा जी. प्लीज वेलकम संगीता जी, प्लीज वेलकम, कम ऑन द बोर्ड एंड वेलकम ऑल. थैंक यू सो मच पूनम जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम. सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल. गुड मोदी केयर मॉर्निंग. हाउ इज द जोश? हाय. मोदी केयर में पैसे कमाने हैं तो जोश हाई रखना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज ये बिजनेस जोश का है और होश में आके जोश रखोगे तो मोदी केयर में इतने सक्सेसफुल बनोगे ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट? सो सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच मेरे अपलाइन सुरेखा मैम, निशांत जी, संजय सर, अनिल सर, रोशनी जी. सो गिव मी सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, इतना खूबसूरत बिजनेस और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए. सो सबसे पहले जैसे सब जानते हैं नाम संगीता विश्वकर्मा, अगर नहीं जानते तो फिर भी बताना चाहूंगी. संगीता विश्वकर्मा बाय प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ. बॉम्बे में 10-12 साल से अपना बिजनेस बिल्ड कर रही थी. मोदी केयर 18 महीने पहले लाइफ में आया और 360 डिग्री का चेंज आ गया दोस्तों, बिकॉज इस बिजनेस ने ना ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दी, उसके अलावा नेम फेम. मैं आई एम मिसमराइज, इतने कम समय में लोग मुझे जानने लगे हैं, लोग मुझे एक लीडर की तरह रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों. ये रिस्पेक्ट, ये इज्जत और कहीं नहीं, राइट? और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के जीवन में परिवर्तन लाते हो दोस्तों. जैसे कि मेरा फील था कॉस्मेटिक और जब मेरे पास अर्बन की रेंज आया, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड. मैंने इसमें ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया और उसके साथ जब काम करना शुरू किया, आई फाइंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रेंज इन एंटायर वर्ल्ड. मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, एंटायर वर्ल्ड में. और हम सब जानते हैं कि जो हमारे इंडिया में जो नंबर वन कॉस्मेटिक है वो समीर सर का ही है, और सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी आपको अर्बन रेंज में भी मिलेगी एंड द क्वालिटी इज सुपर. सो डेफिनेटली पूनम जी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. संगीता जी, मतलब यही मैं कहना चाह रही थी कि जैसे इतने सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं और इतने सारी रेंजेस हैं और किसके लिए क्या बेटर है, तो कुछ प्रोडक्ट को यूज करने में हेल्प कीजिए आप. बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी. सो सबसे पहले देखिए, क्योंकि बहुत वास्ट रेंज दिया है समीर सर ने हमें, हर स्किन के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर एक स्किन टोन के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो थोड़ा सा हमें वो प्रोडक्ट का नॉलेज लेना चाहिए. बिकॉज प्रोडक्ट का नॉलेज जब तक नहीं होगा हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपको क्विक प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी कि कितने वाइड रेंज है और हम फिर उसके आगे देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं. सो लेट्स शेयर मी सम पीपीटी एंड एक्सप्लेन यू. सो ये देखिए हमारा अर्बन कलर लंदन. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी क्वेश्चन आता है वाई मेकअप, मेकअप क्यों करना है, राइट? मेकअप आपको कॉन्फिडेंस देता है दोस्तों, आपके फीचर्स को एनहांस करता है, आपकी लाइफ में एक फन लाता है. यू नो, आप थोड़ा सा मेकओवर करते हो ना, भले आप कितने भी डल हो, आपने हमेशा देखा होगा टीवी पे, टेलीविजन पे, आई लाइक द एंकर्स, यू नो, वो हमेशा एनर्जाइज रहते हैं, इतना अच्छे से बताते रहते हैं. क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? बट वो ना थोड़ा सा मेकओवर करके जब स्क्रीन पे आते हैं तो हमको लगता है वो सबसे सुखी इंसान, उनको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो मेकअप कैन यू नो टोटली आपका जो एक पर्सनैलिटी है, आप इंडिविजुअली फील क्या कर रहे हो उसको चेंज कर देता है. आप बीमार भी हो ना तो आपको एकदम एनर्जेटिक एंड फ्रेश बना देता है. सो मेकअप इज प्लेइंग अब बहुत वाइड रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है मेकअप का. अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में. मेकअप डजंट मीन्स कि हमेशा आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने फेस पे लगा लो. मेकअप इज अ सिंपल स्टेटमेंट कि मेकअप वो होता है जो आपके फॉल्स को हाइड करे और आपके फीचर्स को एनहांस करे. दिस इज अ सिंपल टर्मिनोलॉजी ऑफ मेकअप कि जो आपके फॉल्स को हाइड करे और फीचर्स को एनहांस करे, राइट? देन ये जैसे मैंने बताया फन होता है किसी के लिए, किसी के लिए प्रोटेक्शन होता है. लाइक आप जो मेकअप वेयर करते हो और धूप में भी जाते हो तो एक लेयर होता है आपके स्किन के ऊपर जो आपकी स्किन को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता सन में. सो आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होती. लाइक मूड चेंज, ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, मैं भले कितना भी बोर डल फील करूँ, एक छोटा सा लिपस्टिक एंड लाइनर लगा लूँ और जब मैं अगर फ्रेंड्स के साथ इकट्ठी हो जाऊँ तो वो ऐसा लगता है नहीं मैं बीमार भी थी, यू नो, चेंज होता है, सामने वाला भी खुश फील करता है. क्विक एंड ईजी होता है हमारे मेकअप्स, वेराइटी एड करता है, समथिंग न्यू
टू एवरी टाइम लर्निंग. मेकअप एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, लर्न करते हो. आइए देखते हैं हमारे पास क्या है मेकअप के. हमारे पास सारे फीचर्स, मतलब हमारे पास हर एक फीचर्स के लिए एलिमेंट्स हमारे मोदी केयर में है, जैसे फेस के लिए है, आईज के लिए है, लिप्स के लिए है, नेल्स के लिए भी है. उसको डिटेल में हम आगे समझेंगे. सो फेस का सबसे पहले, मेकअप करने से पहले जो रूटीन हमारा होता है, दैट शुड बी ऑलवेज मस्ट. जो हमारा सुबह का रूटीन होता है, जो हम करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, टोनिंग करते हैं, ट्रीटमेंट्स लगाते हैं, मॉइस्चराइजर करते हैं, प्रोटेक्शन, ये पांचों चीज मस्ट होना चाहिए. उसके ऊपर मेकअप करना है दोस्तों, राइट. नेक्स्ट आइए देखते हैं फेस के लिए कितना वाइड रेंज, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन में, इतना वाइड रेंज समीर सर ने हमारे लिए बनाया है. तो एक एक करके हम देखते हैं. जैसे सबसे पहले आप देख रहे हो प्रो मिसेलर बाय फेस मेकअप क्लेंजर. ये जो प्रोडक्ट है ये वाटर और मॉइस्चर का मिक्सचर है और इतना ईजी, जैसे ही आप हैवी, कितना भी हैवी मेकअप रहे, चाहे वो वाटर प्रूफ मेकअप रहे, कुछ भी रहे, आप थोड़ा सा इसको यूज करोगे, एक कॉटन में लेके यूज करो, एकदम इजीली आपका मेकअप रिमूव हो जाता है. उसके अलावा आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है. कई बार देखा है कि हम जब मेकअप रिमूव करते हैं, बहुत सारा फेस वॉश, दो तीन बार क्लिनजिंग करते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है. बट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए, कॉटन में आपको थोड़ा सा लेना है, जहां मेकअप है आपको धीरे से वाइप करना पूरा मेकअप. इवन आपके वाटर प्रूफ लाइनर, काजल भी बहुत ही इजिली निकल जाएंगे विदाउट डैमेजिंग, विदाउट एनी हार्श एप्लीकेशन ऑन योर फेस, राइट. सो नेक्स्ट हमारे पास एक और रेंज है जो क्लीनिंग का रेंज है, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग वाइप्स, जो मेकअप रिमूवर का काम करता है. एज वेल एज कहीं आप बाहर हो, आपको फेस वॉश करने का टाइम नहीं मिल रहा है या पानी नहीं है, यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ, पूरा फेस क्लीन हो जाएगा. और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक स्किन के लिए अच्छा है एक, राइट. फिर आइए देखते हैं मेकअप करने से पहले, ये सब तो क्लिनजिंग पार्ट हुआ, जो हम कहते हैं स्किन को प्रिपेयर करने का पार्ट. स्किन को प्रिपरेशन के, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा CTTTM है वो भी हमें करना है. तो मेकअप से पहले, सबसे पहले जो आपका डे रिज्यूम है, जो आप फॉलो करते हो, सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने पूरा अर्बन रेंज लिया है. सो आपका क्लेंजिंग हो गया, देन आप टोनिंग ट्रीटमेंट यूज करो, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज करो. अगर स्किन ऑयली है तो आप लोशन की यूज करो, अगर स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर यूज करिए, राइट. उसके बाद अगर नाइट का जो आपका रिज्यूम है वो भी फॉलो करिए, आपका ट्रीटमेंट, देन नाइट क्रीम, एंड देन अगर नाइट क्रीम तो सारे स्किन के लिए एक जैसा है हमारे पास, मतलब ये हर एक स्किन के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि ऑयली के लिए नहीं जाएगा या ड्राई के लिए. दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो नाइट क्रीम है हमारे अर्बन का, वो सारे स्किन पे जाएगा. सो आप अपना स्किन को प्रिपेयर कर लो, सबसे पहले मेकअप के पहले आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको स्किन प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट आइए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है स्किन पे जब हमें मेकअप करना होता है, प्राइमर लगाना होता है. बिकॉज किसी की भी स्किन ना इवन नहीं होती दोस्तों, राइट. तो प्राइमर इज लाइक, एक हम जब वॉल भी पेंट कराते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं. तो प्राइमर का काम होता है जितने फॉल्स होते हैं, जितने स्कार्स, खड्डे या अनइवन टेक्सचर होता है, इसको फिल करते हैं. बिकॉज हमारा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये आपको ग्लाइडिंग, जब आप मेकअप करने के लिए प्रोडक्ट यूज करते हो तो बहुत स्मूथ टेक्सचर फील कराता है. तो आप उसके ऊपर मेकअप जब लगाते हो आपका मोमेंट बहुत स्मूथ होता है और ये एक बैरियर का भी काम करता है, आपके मेकअप के प्रोडक्ट को फिक्स करने का भी काम करता है. आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ये एक मैटिफाई लुक देता है. जैसे आज हम लोग को सबको मैट लुक पसंद है, तो एक बहुत अच्छा लुक देगा, राइट. ये आप जस्ट ऐसे भी यूज करके इसके ऊपर आपका प्रेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर करके निकल जाओगे तो भी बहुत अच्छा लुक देगा. लेकिन थोड़ा सा हैवी मेकअप करना है तो हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा है बीबी क्रीम, राइट. सो ये बीबी क्रीम जो है एवरी डे आप यूज कर सकते हो, ये SPF 20 के साथ अवेलेबल है. मतलब आप डे टू डे ऑफिस जाना है, बाहर जाना है तो आप बीबी क्रीम हल्का सा लगा लो. ये 100% कवरेज नहीं देगा बट बहुत हद तक आपकी जो फेस पे टैनिंग हो जाती है, थोड़ा अनइवन स्किन टोन दिखता है, उसको कम्प्लीटली क्योर कर लेता है. मतलब समझ लो 40% तक कवरेज दे देता है. दैट लुक्स नाइस, अभी डेली वेयर में वो अच्छा भी लगता है. इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है अल्टीमेट का रेडियंस फाउंडेशन. ये जो फाउंडेशन है, जैसे कहीं पार्टी में जाना है, राइट, थोड़ा सा हैवी कवरेज चाहिए, थोड़े स्कार्स ज्यादा, तो ये एटलीस्ट 60-80% कवरेज देता है और काफी मैट लुक देता है. अगर इसको यूज करते हैं, यंग स्किन के लिए बहुत अच्छा है, यूवी प्रोटेक्टर भी है इसके अंदर. और इसमें हमारे पास 4 शेड अवेलेबल है, आपका स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड चूज करना है इसमें. नेक्स्ट है हमारा अर्बन का एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन. दिस इज माय फेवरेट बिकॉज ये 25-30 के बाद अगर ये फाउंडेशन यूज करो ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ग्लॉसी लुक देता है, स्किन ड्राई नहीं होने देता, बहुत ही लाइवली दिखता है. और 80-90 मतलब आप समझ सकते हो, अगर अच्छे से आपने यूज किया ना तो 100% कवरेज भी देता है. और इसके जो पिगमेंट्स है, मैं बताऊं फ्रेंड्स, इतना हाई डेफिनेशन है कि बिल्कुल लगता नहीं है आपने फेस पे मेकअप किया है, राइट. सो ये आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारा है
अगर थोड़ा सा आपको मेकअप थोड़ा और लाइवलिश करना है, पार्टी वार्टी में जा रहे हो, तो हमारे पास है इंस्टेंट रेडियंट इल्यूमिनेशन लोशन। जो आप ये जो फाउंडेशन मैंने बताए या बीबी क्रीम या फाउंडेशन, उसमें आप थोड़ा सा मिक्स कर लो एक ड्रॉप, एंड देन यू कैन अप्लाई एंटायर फेस। जैसे आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो, तो ये पूरे फेस पे एक शाइनिंग, बिकॉज इसमें गोल्ड के शिमर्स अवेलेबल है, तो पूरा फेस पे एक शिमरी लुक देता है, फोटोज में भी बहुत अच्छा है, नाइट पार्टीज में बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हमारे पास कॉम्पैक्ट भी अवेलेबल है, बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल, जैसे आपकी स्किन टोन है। ये कॉम्पैक्ट एक्चुअली जो आप फाउंडेशन लगाते हो उसको होल्ड, मतलब उसको फिक्स करने का काम करता है। सो ऑलवेज आफ्टर यूजिंग फाउंडेशन आपको कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। हमारे पास कॉम्पैक्ट में भी अलग अलग वेरियंट है, आपको दिखाऊंगी। ये जैसे कि आपने देखा यूवी प्रेस पाउडर भी अवेलेबल है, SPF 18 के साथ आप डेली वेयर में यूज कर सकते हो। जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया आपने और आपको कुछ और नहीं लगाना, यू कैन जस्ट यूज दिस प्रेस पाउडर एंड यू कैन रेडी टू गो फॉर एनीवेयर। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट है, एक्सपर्ट फॉर्म लिफ्ट कॉम्पैक्ट विथ हैलुरोनिक एसिड यूवी फिल्टर के साथ। इसका जो लुक है ना, बहुत ही वेलवेटी एंड सिल्की लुक है, बहुत ही सॉफ्ट फील देता है। आप अपने फाउंडेशन के बाद इसको लगा के अपने फाउंडेशन को फिक्स कर सकते हो, राइट। ये भी हमारे पास। देन उसके पास है हमारे पास अल्टीमेट रेडियंस का 3-in-1 मेकअप। दिस इज अ वाओ प्रोडक्ट, आई शुड टेल यू, कि अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं लेनी, आपको बीबी क्रीम नहीं लेना है, आपको फाउंडेशन नहीं लेना है, तो आप ये एक प्रोडक्ट रख लो अपने वॉलेट में, राइट। आप ये रखिए और जस्ट थोड़ा सा, कहते हैं जहां जहां आपके फॉल्स दिखते हैं, जैसे अंडर आई अक्सर लोगों के काले होते हैं, फेस का जो पेरिओवलर पार्ट है हमारे मुंह का, वहां पे भी, तो इसको थोड़ा सा लेके आफ्टर मॉइस्चराइजर जहां जहां आपको टैनिंग लगती है, जहां जहां आपको पिगमेंटेशन, वहां पे लगा के स्प्रेड कर दो। वो इतना इवन लुक देता है और इतना अच्छा से कवर करता है कि यू विल लाइक, आई एम तो फॉल इन लव विद दिस। मतलब मैं कहीं बाहर जाऊं और मेरे बैग में ये चीज पड़ी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये तीनों काम करता है, फाउंडेशन का भी काम करता है, यू नो कॉम्पैक्ट का भी काम करता है, एंड ये कंसीलिंग का भी काम करता है। और अगर आप थोड़ा हैवी मेकअप में करना चाहो तो इसी को एज अ कंसीलर यूज कर सकते हो, जिसमें भी हमारे पास 4 शेड अवेलेबल है, जैसे हमारा स्किन टोन है, स्किन कलर है, वैसे आपको सिलेक्ट करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भाई, मेकअप तो हो गया, बेस हो गया, मतलब आपने क्या किया, कैनवासिंग कर लिया, व्हाइट वॉल पुट्टी कर ली पूरे यू नो दीवार की। अब उसके ऊपर फीचर्स भी एनहांस करने होते हैं, तो हमारे पास उसके लिए रेडियंस का ब्लश है जो 3 शेड में अवेलेबल है, जैसा आपका टेस्ट, जैसा आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन और आपके अटायर होते हैं उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड रेंज ऑफ आई रूटीन, आई के लिए जो मेकअप होता है, स्पेशली यू नो आई बहुत ही पहले से ही, नॉट ओनली ये जो एडवांस मेकअप आया तब से, पहले से ही देखा जाए तो हमारे इंडियन कल्चर में आई मेकअप में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, लाइक काजल, बचपन से हमने देखा है, हमारे पेरेंट मम्मी को देखा है काजल लगाते हुए, तो काजल से वो आई मेकअप के लिए, मतलब आंखों को उभारने के लिए, आंखों को यू नो एम्फेसाइज करने के लिए हमेशा। तो आज हमारे पास काजल के अलावा और भी 5-6 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास अर्बन में, सो आइए देखते हैं 1-in-1, ये इतना सारा रेंज आपके पास अवेलेबल है मेकअप करने के लिए। सो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है अर्बन कलर हिप्नोटाइज आई शेडोज, जो 2 पैलेट्स में अवेलेबल है, एक है आपके स्मोकी लुक के लिए, एक है आपके लाइट डेली वेयर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 10 आवर्स का काजल अवेलेबल है, जो बहुत ही काला और बहुत ही अच्छा फील देता है, बट आप लगाते हो 10 घंटे तक, वैसा स्मज प्रूफ, वॉटर प्रूफ और बहुत ही खूबसूरत लगता है आपकी आंखों पे। नेक्स्ट हमारे पास 16 आवर स्टे लाइनर भी, मैट लाइनर अवेलेबल है 2 सेट में, ब्लैक एंड ब्लू में। उसके अलावा हमारे पास हाई डेफिनेशन आई लाइनर स्केच पेन, किसी को वो पॉट लाइनर आजकल जमता नहीं है, तो हमारे पास स्केच पेन के फॉर्म में भी लाइनर अवेलेबल, जिसमें 3 शेड्स हैं हमारे पास, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर वेयर। देन हमारे पास मस्करा है जो हमारे लैशेस को एनहांस करने के लिए भी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा है, वाटर प्रूफ है, वॉल्यूम एनहांस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है आईब्रो प्रो वेयर आईब्रो पेंसिल्स, दोस्तों ये भी बहुत खूबसूरत है चीज, मतलब हल्के से आपने कुछ भी ना किया ना, सिर्फ आईब्रोज को भी थोड़ा सा एनहांस कर दिया, इतना खूबसूरत लगता है आपका फेस, मतलब पूरी आंखें उठ के आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बन का इंटेंस कलर आई पेंसिल, जो 12 शेड में अवेलेबल है, एंड माय फेवरेट है दोस्तों, ये इतना प्यारा शेड है, इसको आप एज अ लाइनर यूज कर सकते हो, इसको आप एज अ आई शेडो यूज कर सकते हो, तो आपके पास वाइड रेंज ऑफ पैलेट अवेलेबल हो जाता है, स्मज प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बिल्कुल स्प्रेड नहीं होता एज इट इज, मतलब बहुत अच्छा स्टे भी करता है ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या, लिप, यू नो एवरीबडी लाइक्स लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सो आइए देखते हैं एक एक करके कितना सारा, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, इतने सारे प्रोडक्ट हमारे लिए समीर सर ने दिए हैं। जैसे कि अर्बन का हमारे पास परफेक्ट मैट लिपस्टिक अवेलेबल है, बहुत सारे शेड्स हैं, ये मैट लगता है बट ऐसा नहीं कि एकदम ड्राई कर देगा,
वो लुक आपको मैटी देगा बट ग्लॉसी रहेगा, स्किन को स्मूदन, मतलब आपकी लिप्स को ड्राई नहीं करेगा, काफी हेल्दी और ग्लॉसी फील कराता है बट शाइन नहीं दिखती, मैट दिखता है पूरा। देन हमारे पास है ग्लैम क्रीम ग्लैम लिपस्टिक जो थोड़ा क्रीमी भी रहता है बहुत ज्यादा, और शाइनिंग क्रीमी स्किन ड्राइनिंग विटामिन ई और सी के साथ अवेलेबल है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, स्मज नहीं होता, स्प्रेड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास लिप लाइनर भी अवेलेबल, आप लिप को डिफाइन करने के लिए लिप लाइनर यूज कर सकते हो, जो भी हमारे पास 8 शेड में अवेलेबल है। देन वी हैव इम्पैक्ट इंटेंस इम्पैक्ट लिपस्टिक जो बहुत ही यू नो हाइड्रेटिंग होता है, SPF 16 के साथ है और आप जब अप्लाई करते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही क्रीमी लगता है बट स्टिल वो मेल्ट नहीं होता, स्मज नहीं होता, जबकि मार्केट के मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप यू नो ग्लॉसी और मेल्टिंग जैसे थोड़े लिपस्टिक यूज करो तो वो स्प्रेड हो जाता है ओवर अ पीरियड, ब्लीड भी हो जाता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होती। देन हमारे पास है जो लोग मैट लिपस्टिक पसंद करते हैं, तो वी हैव लव मी मैट का लिप कलर, बहुत ही खूबसूरत, 12 शेड में है, 5 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग, आप ये जब लगाते हो एकदम मैटिफाई लुक देता है, प्लस वो निकलता नहीं है। कई बार हमने मार्केट के मैट लिपस्टिक देखे हैं जो आधे एक घंटे के बाद ना वो ऐसे क्रैक्स दिखने लगते हैं, वो चीज आप यहाँ पे फील नहीं करोगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम आपके लिप्स पॉप आउट करके दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सट्रीम्स स्टे लिक्विड लिपस्टिक, जो जिसको ग्लॉस टाइप का लिपस्टिक पसंद है, लिक्विड लिपस्टिक पसंद है, बहुत ज्यादा कलर पसंद नहीं करते, तो हमारे पास वो रेंज भी अवेलेबल है। देन ग्लॉस लिप्स भी पसंद है, ग्लॉसी किसी को लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ उसका टिंच दिखना चाहिए। सो यू कैन सी कि हमारे पास वाइड रेंज, मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सारा चीज समीर सर ने हमें यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है नेल्स के भी, देखिए फेस तो हमने ब्यूटिफाई कर लिया, फेस के लिए ही नहीं, हमारे पास सर ने नेल्स को भी प्रिपेयर मतलब पैम्पर करने के लिए रखे हैं। सो हमारे पास बहुत खूबसूरत नेल पेंट्स अवेलेबल है, नेल देखिए ये अर्बन कलर नेल लिकर्स हैं जो ग्लॉसी और शाइनी दिखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है और जल्दी से ड्राई होते हैं। देन हमारे पास एक क्विक नेल लेकर्स हैं वो जो विद इन अ 5 सेकेंड to 10 सेकेंड में ड्राई होते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, अगेन लॉन्ग लास्टिंग, ग्लॉसी, फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, राइट, आपके नेल्स येलो नहीं होते, मेन ये इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में बहुत सारे नेल पेंट्स अवेलेबल है बट ओवर अ पीरियड आप देखोगे जब आप लगा के रखते हो तो आपके नेल्स येलो हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होता, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती, आपके नेल्स येलो नहीं पड़ते। देन वी हैव अर्बन कलर का नेल लेकर 6 ml, मतलब ये बहुत सारे 6 ml भी अवेलेबल है, 9 ml के भी अवेलेबल है, सो यू हैव अ ब्यूटिफुल रेंज अकॉर्डिंग टू योर टाइप, आप अपने हिसाब से अपना वैनिटी रेडी कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रेंज है। उसके अलावा हमारे पास नेल को फाइल करने के लिए भी परफेक्ट फिक्शन फाइलर्स भी दिए हैं जो क्रिस्टल और बहुत खूबसूरत रखते हैं, आप कैरी कर सकते हो अपने शेप नेल शेप करने के लिए कहीं भी। देन वी हैव अ नेल एनामल रिमूवर, हमारे जो नेल पेंट्स होते हैं कई बार देखो निकलते नहीं है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा एनामल रिमूवर नेल रिमूवर है जो फटाफट रिमूव हो जाता है बट आपके नेल्स को ड्राई नहीं कर, मैंने कई बार देखा है मार्केट के जो नेल रिमूवर्स होते हैं जब हम रिमूव करते हैं तो आपकी उंगलियां भी ड्राई फील होने लगती है बिकॉज उसमें काफी हार्श केमिकल्स होते हैं, बट यहाँ जो हमारे रिमूवर्स हैं उससे जब आप रिमूव करते हो तो आपके नेल्स ड्राई नहीं होते, इनफैक्ट फिंगर्स भी ड्राई नहीं लगते, सो ब्यूटिफुल रेंज फॉर नेल पैम्परिंग ऑल्सो वी हैव। देन अगर आपको कहीं जाना है कैरी करना है तो आपके पास ट्रैवल बडीज भी अवेलेबल है जो नेल लेकर उसमें भी अवेलेबल होते हैं और बहुत ही 10 उसमें वाइब्स आते हैं, आप लेके कहीं भी जा सकते हो, यू कैन बी लाइक आपको वेट नहीं करना होगा कि अरे मैं घर पे इतना कैसे लेके चलूं, यू कैन कीप इट इन योर पर्स एंड यू कैन वेयर एनीवेयर, राइट। देन एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बिकॉज मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे पता है बहुत सारे मार्केट में कोई चीज ट्रेंड आती है ना तो फटाफट हर कोई बनाने लगता है, बट हमारे जो अर्बन के मेकअप स्पॉन्ज है, आई टेल यू फ्रेंड्स, इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है और इतना ज्यादा चलता है, मतलब कई बार हम मार्केट के स्पॉन्ज लेते तो वो प्रोडक्ट वो स्पंज में ही सारा चला जाता है, बट हमारे जो स्पॉन्ज है इतना अच्छा है, उसके लेयर्स पे अच्छे से प्रोडक्ट रहते हैं, वो एब्जॉर्ब अच्छे से अच्छा, मतलब वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता बट बहुत अच्छा मेकअप को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। तो वी हैव 2 shades एंड वेरी नाइस प्रोडक्ट, अगेन यू कैन गो, और ये जो चीजें आप यूज करके ना एक बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हो, आपके फाउंडेशन स्पॉन्ज एंड यू नो आपके कॉम्पैक्ट यूज करके। देन वी ऑल्सो हैव अ अर्बन का लिप ग्लॉस, राइट, किसी को हमारा जो लिप ग्लॉस है वो 16 hours तक आपके लिप्स को मॉइस्चर करके रखता है। दोस्तों मैंने मार्केट के बहुत सारे लिप ग्लॉस यूज किए, आपने भी कभी कभी यूज किया होगा, फील किया होगा कि जब आप लिप ग्लॉस लगाते हो और ओवर अ पीरियड आधा एक घंटे के बाद आप देखते हो एक व्हाइट लेयर सा लिप्स के वहां जम जाता होता, राइट,
वेरस हमारे ही प्रोडक्ट में ये नहीं होता बिकॉज उसमें पेट्रोलियम जेली होता है जबकि हमारा प्रोडक्ट पेट्रोलियम जेली फ्री है और इतना अच्छा सॉफ्ट और वी हैव अ नाइस टिंच ऑफ कलर ऑल्सो जो बहुत ही खूबसूरत लगता है 16 आवर्स तक आपके लिप्स को मॉइस्चर करके रखता है स्प्रेड भी नहीं होता है राइट सो पूनम दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू कि इतना वाइड रेंज है हमारे पास मोदी केयर के होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे थैंक यू संगीता जी मतलब मजा ही आ गया इतनी रेंज है उसमें तो बट मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी संगीता जी अब आप ये बताइए जैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं इतनी वाइड रेंज है तो हम जैसे कभी सलोन पे जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये प्रोफेशनल रेंज है ये वाटर प्रूफ है व्हाटएवर जो उनके पास होता है नॉलेज में जैसे आपने बताया इतनी सारी नॉलेज है आपके पास तो मैं जानना चाहूंगी आप मुझे हेल्प कीजिए कि मुझे हमें ये प्रोडक्ट्स को कैसे चूज करना चाहिए। बिल्कुल मैं बताऊंगी देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन भी है बीबी क्रीम भी है देन वी हैव कंसीलर्स आल्सो राइट अब आपका ओकेजन कैसा है जैसे कि आप डेली वेयर के लिए तो बीबी क्रीम यूज कर लीजिए कभी पार्टी करनी है तो आप फाउंडेशन की यूज कर लो राइट बट अगर कहीं शादी वादी में जाना है थोड़ा हैवी फाउंडेशन हैवी मेकअप चाहिए तो जो हमारा फर्म लिफ्ट एंड फाउंडेशन है राइट वो यूज कर लो उसके साथ कंसीलर कर लो सो बिल्कुल हम मैं बताना चाहूंगी जो ये आप जैसे मैं भी उसी फील्ड से हूं तो मैं जानती हूँ कि जो प्रोडक्ट मेन जो होता है ना इंग्रेडिएंट मार्केट में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके अंदर ना वो क्वालिटी नहीं मेंटेन करते वो बिकॉज मास्क के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं भले वो ब्रांड हो एक्स भी लेकिन जब आप प्रोफेशनल ऐड करते हो ना जब वहां पे प्रोफेशनल लिखा जाता है तो दे हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल कि ये स्किन के लिए इतना इसमें ये प्रोडक्ट होने चाहिए इतना कवरेज होना चाहिए वो सारे स्पेसिफाई होता है उसके पेटेंट बनते हैं तो उस पेटेंट के हिसाब से प्रोडक्ट होना है तो बट मैंने ये देखा है कि जो हम प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारे अर्बन के रेंज में एज इक्वल वैसा ही प्रोडक्ट अवेलेबल है वैसे ही रिजल्ट देता है हमारा प्रोडक्ट भी 10 टू 14 आवर्स तक वाटरप्रूफ मेकअप करते अगर आप अच्छे से मेकअप करते हो विद प्रॉपर सही गाइडेंस नॉलेज के साथ तो हमारा मेकअप आराम से 12 से 14 घंटा स्टे कर सकता है विदाउट एनी स्मजनेस इतना और ब्लैक भी नहीं पड़ता कई बार आपने देखा नॉर्मल फाउंडेशन मार्केट के लगा ले तो कुछ समय के बाद वो डार्क दिखने लगता है सो ये नहीं बिकॉज इसमें जो पिगमेंट्स यूज किए गए हैं इंडियन टोन के हिसाब से इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से और इसके सारे प्रोडक्ट्स जो बहुत हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स हैं वाओ संगीता जी थैंक यू मतलब अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब आपने ये तो बता दिया प्रोफेशनल क्या वाटरप्रूफ क्या बट क्या हमारे जो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं उनसे इतना ही बेटर एक हम मेकअप ले सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सो चलिए मैं आपको एक क्विक डेमो भी दिखाऊंगी क्या देखना चाहोगे पार्टी मेकअप पार्टी मेकअप तो चलता रहता है ब्राइडल दिखा दीजिए तो मजा ही आ जाएगा चलिए ठीक है मैं अभी दिखाती हूँ आपको पार्टी ब्राइडल मेकअप जस्ट गिव मी अ मोमेंट Yeah, sure. तो फ्रेंड्स देखा आपने जो हमारी संगीता जी हैं कितने अच्छे से हमें बता रही हैं कि जो हमारे मेकअप की जो रेंज है कितनी वाइड है और हम अपने मोदी केयर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाए गए हैं समीर मोदी जी का ऑलवेज थैंक्स जितना थैंक्स करें उतना कम है तो फ्रेंड्स संगीता जी हमें एक मेकअप जो अभी क्विक मेकअप करके दिखाने वाले हैं तो आइए फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं संगीता जी के साथ ब्राइडल मेकअप को Wow. देखिए ये हमारे मॉडल है हम इन पे मेकअप करेंगे वाओ संगीता जी आपने तो पूरी अच्छे से तैयारी करके रखी है ब्राइडल भी दे दी है यस सो हमने ऑलरेडी जो हमारा सीटीएम है फ्रेंड्स वो हमने करके रखा है मॉडल पे एवरीथिंग वी हैव प्रिपेयर्ड सीटीएम कर दिया है हमने राइट अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम प्राइमर लगाएंगे बिकॉज स्किन को प्रिपेयर करना होता है राइट और तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया यू कैन सी वो चना काबुली चना होता है ना उतना काफी होता है आप ले लो इसको एंड देन आप क्या करोगे इसको ब्रश से या जैसे भी आपको जमता है अब जहां जहां इनके फॉल्स दिख रहे हैं आप वहां वहां अप्लाई कर लीजिए सो ये मैंने अप्लाई कर लिया है अगर आपको लगे तो थोड़ा फिंगर से भी आप स्प्रेड कर लो हल्के से राइट इसके बाद क्या स्टेप बताया था मैंने पूनम आपको अगर याद हो तो प्राइमर के बाद आपने शायद बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाना है
यस हमारे पास देखिए हमें इनके लिए एक्सपर्ट फॉर्म फाउंडेशन लूंगी एज वेल एज मैं कंसीलिंग के लिए जो हमारा 3-in-1 मेकअप था बिकॉज थोड़ी थोड़ी जैसे अंडर आई है ये स्कार है उसके लिए मैं हमारा 3-in-1 मेकअप फाउंडेशन लूंगी. तो आप देख रहे हो मैं जैसे जैसे इनकी जहां जहां स्कार्स है या डार्कनेस है जैसे मैंने कहा था कि कंसीलर का भी काम करता है राइट बिल्कुल जहां जहां मुझे लग रहा है आप चाहे ब्रश से या फिंगर से या इसके अंदर ऑलरेडी एक स्पंज अवेलेबल है आप देख सकते हो आप इससे भी लगा सकते हो. सो मैं यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ आज का ये मेकअप देख के सबको इजी हो जाएगा कि अपने लिए हम कुछ कर पाएंगे. बिल्कुल आपने देखा सिर्फ मैं कंसील कर रही हूँ वहां पे भी आप स्किन टोन थोड़ा इवन दिखने लगी आपको बहुत अच्छी दिख रही है संगीता जी मतलब बिल्कुल इक्वली फाइन ही दिख रहा है बिल्कुल कि स्किन कितनी प्रिटी लुक दे रही है वन टाइम में आपने सिर्फ अभी एक ही प्रोडक्ट यूज किया जी. ये जो अगर ऐसे भी अगर आपको ज्यादा कुछ ना करना हो तो सिर्फ आप 3-in-1 ये मेकअप रेडियंस जो हमारा मेकअप प्रोडक्ट है वो भी आप लगा के इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा लोगे ना तो स्किन विल बी कवर. जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं ज्यादा लगाऊंगी बिकॉज आप देख रहे हो थोड़ा सा स्कार्स है पिंपल्स के. हाँ जी आप देख रहे काफी अच्छा वो कवरेज भी दे रहा है. हाँ जी अब ये हमने कंसील कर लिया क्योंकि शादी वाला लुक क्रिएट करना है तो हम फाउंडेशन भी लगाएंगे. थैंक यू संगीता जी थैंक यू ये दिखाने के लिए. माय प्लेजर डियर. थोड़ा सा कई बार क्या होता है ब्राइट ऑयली स्किन है अगर ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा इसको ना एक हल्का सा लूज जो अपना कॉम्पैक्ट पाउडर है फॉर्म लिफ्ट का वो हल्का सा लगा लो ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए क्योंकि जो ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये जी. अब मैं ये आपको देखो मैं लेने वाली हूँ ये अपना फॉर्म एंड लिफ्ट वाला ये अर्बन कलर का. यस यस यस. सो अगेन मैं इसको ब्रश से लगा सकती हूँ या आपके पास स्पंज है हमारे पास. अच्छा किससे देखना चाहेंगे स्पंज से देखना चाहेंगे. चलिए स्पंज से दिखाती हूँ. स्पंज को आप थोड़ा सा गीला कर लो राइट. सो मैं क्या करूंगी इसको लेके स्प्रेड करूंगी फेस पे जहां जहां मुझे लग रहा है. ओके जस्ट अप्लाई रेंडमली. और जो बाकी बच्चा है आप ये स्पंज लेना है और इजी हो जाता होगा स्प्रेड करना ना जी. अब देखिए इसको डैब डैब करना है कभी भी ड्रैग नहीं करना है. जब भी आप मेकअप यूज करो ना डैब 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 करिए. ये देखिए इनर कॉर्नर है तो आप ये पॉइंट वाला यूज करिए राइट. आप सी दे यू कैन सी द डिफरेंस नाउ. मैंने हाफ फेस किया है कितना अच्छा कवरेज दे दिया है देखिए. बहुत अच्छा संगीता जी बहुत. और ये जो आपका राउंड पोर्शन है उसको बाकी फेस के लिए यूज करो. जहाँ कॉर्नर्स हैं जहाँ वेलीज और हिल्स हम बोलते हैं स्किन में वहां पे आप पॉइंट वाला पोर्शन यूज करिए. अंडर आई के वहां आगे पॉइंट वाला ऊपर देखिए. बट इसको एप्लीकेशन डैब 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 करके होना चाहिए कभी भी ड्रैग नहीं करना. आप देख रहे हो मैं डैबिंग कर रही हूँ राइट. हाँ जी संगीता जी बहुत अच्छे से दिख रहा है. वाओ जो भी प्रोडक्ट लगाओ आप लगाइए. कुछ लोग संगीता जी मेकअप से डरते हैं ना कि स्किन खराब हो जाएगा और ऐसा कुछ तो अभी उनके लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कितना अच्छा रहता है ये. हमारे प्रोडक्ट में सारे विटामिन ई एंड सी अवेलेबल है जो स्किन को और हेल्दी बनाते हैं. और मैं बताऊं कभी भी धूप में ऐसे ना मत निकलो मेकअप करके निकलो बिकॉज सी बाकी बॉडी के लिए तो हम कपड़े पहन लेते हैं धूप से बचने के लिए. व्हाट अबाउट आवर फेस. आवर फेस इज मोर डेलिकेट राइट. सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है. SPF तो लगाना ही बट अगर थोड़ा सा पीछे से हमारे बीबी क्रीम में भी SPF 20 है बाकी प्रोडक्ट में भी सन प्रोटेक्टर एजेंट है तो आप यूज करिए नाउ सी. तो बिल्कुल जी जो हमारे समीर जी ने लोगो बनाया है सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो तो इट्स अ परफेक्ट फॉर एवरी फील्ड राइट. एक्चुअली नाउ आई टेक दिस कॉम्पैक्ट जस्ट हल्के से ताकि ये क्या करे ये जो आपने प्रोडक्ट लगाया है उसको फिक्स कर दे. ओके सो राउंड 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 हल्के से अगर ब्रश नहीं है आपके पास तो इसके अंदर ऑलरेडी पफ दिया हुआ है यू कैन टेक ऊपर देखिए ठीक है. इस तरह से आप अगेन ऊपर देखिए
लेकिन इतने से ही प्रिटी लग रही है हमारी मॉडल, बहुत ही प्रिटी, वैसे भी क्यूट सी हैं। तो ये हमारा मेकअप कंप्लीट, अब आइए हम थोड़ा आई मेकअप करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास दो पैलेट अवेलेबल है, बट मैं ना आज क्योंकि ब्राइड वाला लुक देना है, हमारे पास जो पैलेट है उसमें बहुत ज्यादा कहते हैं इंस्टेंट कलर्स नहीं है, सो मैं अपना जो आई पेंसिल है वो यूज करने वाली हूँ। सो जैसे कि ब्राइड है तो गोल्डन चाहिए, मतलब ये एक न्यू चीज हो जाएगी संगीता जी, अदरवाइज जो आईज के लिए हम नहीं तो पैलेट पे ही जाते हैं सिर्फ जी। तो आज चलिए नया कुछ देखते हैं। ये पैलेट मैं यूज करूंगी इनके कलर के साथ, ये देखो पर्पल टिंच भी जा रहा है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस। तो चलिए हम आपको ये मेकअप दिखाते हैं कैसे इससे करोगे आप। सो जैसे कि ब्राइड होते तो हम क्या करते हैं, ब्राइड होते तो हम हमेशा इनर कॉर्नर में गोल्डन ही रखते हैं, राइट? ओके, सो मैं यहाँ पे भी इनर कॉर्नर पहले फिल आके बंद करी, जस्ट ये ड्राई बहुत जल्दी होता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट? ओके, करना है। ये गोल्डन कर रहे हैं संगीता जी, यस, ठीक है। उसके बाद मैंने ये साइड के लिए ब्राउन लिया है, हम यहाँ पे क्रीज लाइन क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा हाथ से ही ब्लेंड करिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, अगर आप ब्रश से कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ब्रश नहीं है, ब्रश है तो आपको इस तरह से राउंड ब्रश लेने हैं और इसको इस तरह से ब्लेंड करने हैं, जो हमारे पास ब्लेंडर ब्रश अवेलेबल होते हैं, स्मज करना है, अगर वो नहीं है तो आप फिंगर से भी कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये जो इसका आई पेंसिल है ना, आई टेल यू इट इज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और आई थिंक संगीता जी इट इज वेरी इजी टू यूज, राइट? या वेरी इजी। अब जैसे कि मैंने कहा था मैं थोड़ा सा ये जो पर्पलिश टोन है वो लेके मैं इसके साथ ब्लेंड कर दिया, सो वो शेड भी आपको दिखेगा आ गया, राइट? राइट, बहुत प्रिटी लग रहा है, गिव दैट शेप, ऊपर देखिए थोड़ा सा आप वही कलर नीचे डाल दीजिए, अगेन आके बन करिए, देखिए। तो संगीता जी जो हमारा आई शेडो ये अभी हमारा क्रीम बेस्ड है? नहीं, ये जो हमारा आई शेडो जो आई शेडो है हमारा क्रीम बेस नहीं है, वो पाउडर बेस है, बट आप इसके साथ उसको ब्लेंड करके क्योंकि क्रिएट नाइस, अब देखिए वाओ, बहुत ही प्यारी आईज लग रही हैं। अब मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी बिकॉज हमारे पास यहाँ पे मैं क्रीज क्रिएट करूंगी, ये जो लाइट पिंक है उसके साथ, कि मेकअप भी समथिंग ना, अगर आपके पास कलर्स है थोड़ा सा आप इन डेप्थ स्टेप समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीबडी। ये टाइम चल रहा है, कोई पार्लर सैलून्स खुले नहीं हुए, तो कहीं जाना भी है या कहीं आप मीटिंग में हैं, और इवन ऑन जूम और ऑफिशियल मीटिंग आप कर रहे हैं, तो आप अगर हल्की सी नॉलेज ले लेते हैं तो अपना सेल्फ मेकअप खुद कर सकते हैं, राइट? यस यस बिल्कुल। अभी देखिए ये जो प्रोडक्ट अवेलेबल है इसको मैं एज अ हाइलाइटर यूज करूंगी, सो हल्के से यहाँ पे मैंने डाल दिया, आप देख रहे हो वहां पे थोड़ा सा कलर एड हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है संगीता जी। अब मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगी इनके आईब्रोज को, सो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है आईब्रो डिफाइनर विथ ब्रश, राइट? सो सबसे पहले आपने इसको ब्रश कर लेना है क्योंकि आपको शेप समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा शेप देना है, राइट?
और फिर हल्के से ये नीचे के लाइन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से, ज्यादा कलर नहीं फील करना, बहुत नेचुरल लगना चाहिए। आपने सिर्फ यहाँ से नीचे से कलर दिया है, थोड़ा मोड़ा फील किया, जो शेप देना दे लो, और उसके बाद ये ब्रश से आप उसको ब्लेंड करोगे। दिख रहा है? बिल्कुल ठीक संगीता जी, इससे हमारी आईब्रोज शेप हो जाएंगे, राइट? यस, शेप भी हो जाएगी, आप थोड़े कलर्स फील कर लोगे। नाउ सी, ये आईब्रो देखिए, और ये काफी डिफाइन होगी और नेचुरल लग रहा है, बहुत सुंदर। ये भी मैंने थोड़ा सा फील कर लिया, पहले थोड़ा सा कलर, बहुत ज्यादा नहीं फील करना है, पहले थोड़ा करिए, फिर ज्यादा करोगे चलेगा, बट पहले ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? सो ऑलवेज फील लिटिल बिट फर्स्ट। सब अब इसको कोम करके स्प्रेड करिए, अगर आपको लगता है थोड़ा और डार्क करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट आई ऑलवेज फील थोड़ा लाइट ही रहना चाहिए बिकॉज नेचुरल लगता है, राइट? अब आ गया हमारा आई मेकअप, हो गया, अब हम करेंगे लाइनर। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पॉट लाइनर जो हमारा है 16 आर्स मैच टू, टू शेक इट लाइक दिस। इनर कॉर्नर से पहले कभी भी लाइनर लगाओ तो साइड में पहले रखिए, और फिर आप उसको ड्रैग कर लो जितना आपको जैसा शेप देना है। ओके, सेम यहाँ पे प्रोडक्ट लिया, सेंटर से पहले निकाला, क्योंकि एक्सेस अगर आप कॉर्नर पे रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कॉर्नर पे लग जाएंगे, सो नेवर डू दैट, हमेशा सेंटर से करना होता है लाइनर। So, ये हो गया आपका लाइनर, देन विल ऐड काजल। काजल पसंद है ना? इंडियन ब्राइड बिना काजल के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, सो हम लगाएंगे। अब तक हम करते हैं ब्लश ऑन, राइट? सो वो ड्राई होता है, तब तक हम ब्लश कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट देना है। अभी देखिए, कभी भी ब्लश ऑन, ये जो आपका पोर्शन है ये इसके नीचे होना चाहिए, ये जो पोर्शन होता है हाइलाइटर्स के लिए होता है, नेवर पुट ब्लश ऑन ऑन दिस, इसके नीचे होना चाहिए। तो हम लगाएंगे, हमने ये पिंक जो शिमर है हमारे पास वो लिया है, यहाँ से एक प्रोडक्ट स्ट्रोक डालिए और फिर उसको ब्लेंड करिए। अब देखिए हल्के से कलर, बहुत कम, हमेशा पहले थोड़ा कम ही यूज करा करो, अगर लगे ज्यादा तो वापस ले सकते हैं, राइट? बहुत अच्छा कलर है संगीता जी, ये जी इनके बिल्कुल भी लग रहा है। अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा ज्यादा करना है, बट मैं हमेशा लाइट पसंद करती हूँ, आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुली। और क्या होता है मेकअप में कई बार ऐसा हो जाता है कि इतना प्रोडक्ट लगा देते हैं कि आप जब सामने से देखते हो, सी दिस इज ब्राइड, ब्राइड के लिए इसी तरह से हो कि आप नेचुरली भी जब देखो तो अच्छा लगे, कई बार इतना लग जाता है, फोटोशूट के लिए मेकअप थोड़े और ज्यादा लाउड करने पड़ते हैं, बट ब्राइड के लिए कभी नहीं करना है। संगीता जी, देखा है मैंने कई बार कि मेकअप के बाद कुछ ड्राई या लाइंस पड़ जाती हैं, कुछ मेकअप की क्रैक्स लाइक, है ना? तो वो एक्सेस मेकअप से ही हो जाता है। जी जी, आइए अब देखते हैं काजल, काजल के जो वॉटर लाइन है आपने उस पे काजल भरने अच्छे से, पहले एक बार लगा लो, फिर आप और ज्यादा इंटेंस कर सकते हो। कंफर्टेबल, थोड़ा सा और, अब मैं थोड़ा सा और इंटेंस करूंगी, 2-3 बार जब मैं रब करूंगी और इंटेंस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं अगर आंसू भी निकला, बिकॉज हमारे मेकअप वाटर प्रूफ है। पर देखिए मैं ना कई बार मेरे ब्राइड्स के लिए मैं यही काजल यूज करती हूँ, तो ये हमेशा का मेरा एक पेटेंट डायलॉग है, कोई टेंशन नहीं है वाटर प्रूफ मेकअप है। सो बहुत बोल्ड लाइन बन गई,
और अभी जैसे कि ये थोड़ा सा और ड्रामेटिक करना है, तो जो हमने आई शेडो लगाए ना वही कलर मैंने थोड़ा सा ये एंगुलर ब्रश में लिया ऊपर देखिए, और यहाँ से मैंने स्मजिंग कर दी है। ये जो आई शेडो से लुक आता है ना बहुत प्यारा लगेगा आप देखो। तो ये सिर्फ ब्राइट के लिए ही अच्छा लगेगा या कोई भी लगा सकता है संगीता जी? ये कोई भी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, कभी भी आप भी कर सकते हो, कभी पार्टीज में जा रहे हो या शादियों में जा रहे हो, जिस इसको थोड़ा सा स्मज करिए, गिव दैट शेड, गिव दैट कलर, नीचे भी वो कलर दे दीजिए, ठीक है। अब लास्ट जो इसके बिना मेकअप अधूरा रहता है वो है हमारा लिप शेड मस्कारा। ऊपर देखिए, जब आप नीचे के लगाते हो ऊपर दिखा देखने को बोलिए, राइट, और जब आपको ऊपर वाले लैशेस को सामने देखने के लिए बोलिए, और थोड़ा सा आपको ऐसे उठा के इनके इट्स अ गुड वे टू अप्लाई, राइट, बिल्कुल यहाँ वहां कहीं नहीं लगेगा। अगर कलर सही मिल जाते हैं सो यू हैव अ ब्रश, यू कैन क्लीन इट। और लास्ट हम लगाएंगे लिपस्टिक। सो मैं एक बहुत ही खूबसूरत जो हमारा अर्बन का मैट शेड है वाइन शेड वो लगाने जा रही हूँ, सो जस्ट अप्लाई करेंगे। आप ब्रश यूज कर सकते हो लगाने के लिए, आप फिलिंग आई मीन शेप देने के लिए हमारे जो लिप पेंसिल है वो भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा फील करके आई लाइक टू गो विद ब्रश बिकॉज आदत है थोड़ी सी, तो मैं बाकी का फिलिंग ब्रश से कर लूंगी। सो यहाँ हमारी ब्राइड विद इन लिप्स बन के लिए So, कैसी लग रही है हमारी ब्राइड पूनम? वाओ संगीता जी मजा ही आ गया, मतलब इतनी देर तो पार्लर जाने में ही लग रहा है, इतनी देर में तो आपने मेकअप भी करके बता दिया। कितना टाइम लगाती है पार्लर में ब्राइड्स को तैयार करने के लिए, कितना टाइम लगाते हैं? आई पुट लिटिल खूबसूरत दो से तीन घंटे तो कहीं नहीं जाते। सो ये हमारी ब्राइड है, वाओ सो मच ब्यूटीफुल। सो नाउ दिस इज योर ब्राइड, आप वाओ एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड सो ब्यूटीफुल, मजा ही आ गया संगीता जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मेकअप आपने किया कि मतलब मंत्र मुग्ध। मैजिकल प्रोडक्ट, मैजिकल प्रोडक्ट रह गया पूनम जी ये लास्ट, ये थोड़ा सा मैं एज अ हाइलाइटर जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इसको मेकअप में डाल के भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको अलग से ही पसंद करती हूँ, जस्ट पुट इट ऑन अ नोज, क्योंकि जब आप ये फोटोज आप देखो तुरंत एक रिजल्ट दिख रहा होगा आपको, जस्ट डैप करके लगाना है। और हमारे इंडियन ब्राइड में बिना नथ के तो दुल्हन अच्छी नहीं लगेंगी, तो वी विल जस्ट पुट दिस नथ एंड देन ब्राइड इज रेडी। सो होप अब आपको कोई कहे ना कि हमारा प्रोफेशनल है ये है, यू कैन एक्सप्लेन इट एंड यू कैन टेल हर कि मुझे ये लुक चाहिए, मैं ऐसा चाहती हूँ, नाउ यू कैन हैव योर ओन चॉइस। ये हो गए, संगीता जी इतने कम टाइम में इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतना ब्यूटीफुल मेकअप, इट्स अमेजिंग, आई नेवर सीन बिफोर, मजा ही आ गया। थैंक यू, सो व्हाट यू पूनम? थैंक यू। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा कि संगीता जी ने इतने कम टाइम में इतना ब्यूटीफुल मेकअप किया और सबको मंत्र बुक कर दिया कि मेरे ख्याल ही कोई यहाँ से हिलना चाहता होगा, और हमारे अर्बन के जो प्रोडक्ट्स हैं कितने अच्छे और कितने प्रोफेशनल है ये आज हमने देख लिया। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कितने अलग अलग तरीके से, लाइक अगर हम आई शेडो, आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट, मैं लोगों से कहूंगी कि एंड में थोड़ा बने रहिए बिकॉज ये थोड़ा ड्रेसिंग करके और अच्छे से हम दिखाएंगे कि हमारी ब्राइड कितनी खूबसूरत लगती है। श्योर, कैरी ऑन पूनम, थैंक यू। थैंक यू।
तो जैसे हमने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स को हम अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं, लाइक आई पेंसिल को संगीता जी ने कितना ब्यूटीफुली आई शेडो के जैसा यूज किया. तो जब हम अपने प्रोडक्ट्स को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना अच्छा है, और संगीता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया. तो नेक्स्ट मैं इन्वाइट करूंगी हमारे, जब तक संगीता जी अपनी ब्राइड को पूरा रेडी करती हैं और एक झलक के लिए हम उनकी वेट करते हैं, तब तक हम बात करते हैं हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं, जो मिस्टर मनीष चोपड़ा जी, जो जीबीडीडी हैं, आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे थे. 2014 में उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया फ्रेंड्स, और पंजाब के फर्स्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बने, और जिनकी अर्निंग 10 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट. और स्मैक के एंड समीर मोदी जी के काउंसिल मेंबर भी हैं. मोदी केयर से लग्जरियस कार ले चुके हैं जगुआर, और अमृतसर के पोश एरिया में, पॉली सिटी में अपना एक ब्यूटीफुल सा घर भी बना चुके हैं. तो आई रिक्वेस्ट एंड वेलकम टू मनीष सर, प्लीज वेलकम एंड कम ऑन द बोर्ड एंड प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरी सर. इट्स माई प्लेजर टू इनवाइट यू. गुड मोदी केयर मॉर्निंग पूनम मैम, बड़ा मजा आया देखकर कैसे लवीन जी ने शुरुआत की, और आपसे तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ. एक डायरेक्टर लेवल का कंसल्टेंट इतना पॉलिश्ड होकर इतना बढ़िया तरीके से आपने मीटिंग को कनेक्ट कर रहे थे, कहीं भी जरूरत थी फिलिंग की तो बीच बीच में फिलर्स डाल रहे थे आप, और जो संगीता जी ने कमाल कर दिया, मैंने इतना लाइव मेकअप पहली बार देखा और इतने कम समय के अंदर इतना प्रोफेशनल मेकअप कर दिया, अमेजिंग, सो प्राउड ऑफ यू ऑल. और मेरा नाम दोस्तों मनीष चोपड़ा, एज इंट्रोड्यूस्ड, बाय प्रोफेशन मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ. इस बिजनेस से पहले मैं इन्फोसिस कंपनी में जॉब करता था, बहुत अच्छी जॉब थी, हाई प्रोफाइल जॉब थी, सैलरी बहुत बढ़िया थी, लेकिन मेरे सपने उससे भी ज्यादा बड़े थे. फिर मैंने अपनी कंसल्टेंसी का काम किया, वहां भी बहुत मेहनत की, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी जो मेरे सपने थे बड़े बड़े पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे. तो फिर क्या था, मैं ढूंढ रहा था कुछ, और अचानक एक फोन कॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा कि यहाँ पर हर तरह के लोग कामयाब हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं, कोई पार्ट टाइम में करना है. तो मैंने जंप किया, इसमें काम करना शुरू किया, और आज 7 साल के सफर के अंदर दोस्तों, कहां वो लड़का जो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, किराए के घर पे रहता था, 2 व्हीलर ज्यादा चलाता था, घूमने फिरने का कुछ इतना था नहीं, 7 साल के अंदर अंदर भगवान ने वो सारे सपने पूरे कर दिए दोस्तों. इस बिजनेस के थ्रू मैंने 4 गाड़ियां ली, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जगुआर. जब मैंने मोदीगर शुरू किया था, मैं और मेरे वाइफ हम रेड कलर की पेप स्कूटी पे डेमो करने जाते थे, और आज वही कपल रेड कलर की जगुआर में जाता है दोस्तों डेमो प्लान करने. और इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए, इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, देन दुबई, रशिया, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल की. टीम में बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया, टीम में बहुत सारी गाड़ियां आ गई, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए. मैंने एक बहुत प्यारा विला लिया अमृतसर में, अमृतसर के अंदर एक पॉश एरिया जहां पर बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा, सुरेश लहरी, और भी बहुत सारे फिल्म स्टार के घर है वहां पर, और भगवान ने वहीं पर ही मोदी करके सेलिब्रिटी मुनीश और पूजा चोपड़ा जी को विला दिया. अब चंडीगढ़ के अंदर हमने फ्लैट्स लिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की, ये सारा पॉसिबल हुआ दोस्तों मोदीगर करके. जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, पहला चेक मेरा 103 रुपए का था, लेकिन आज मैं इस बिजनेस से 10 लाख महीने का बनाता हूं. और जो मुझे सबसे अच्छा लगा इस बिजनेस के अंदर, जो मैंने रियलाइज भी किया दोस्तों, वो है सिक्योरिटी, फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एक बार अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया दोस्तों, उसके बाद काम नहीं भी कर पाओगे, फिर भी पैसा आता रहता है. अभी फरवरी के अंदर मुझे कोई हेल्थ चैलेंज आ गया था, मेरी कोई सर्जरी थी, तो मार्च में ऑलमोस्ट मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, अप्रैल में मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, मैंने 2.25 महीने बिल्कुल काम नहीं किया, फिर भी दोस्तों मार्च और अप्रैल का जो मुझे पैसे आए मोदी के से, वो 20 लाख से ज्यादा पैसे आए दोस्तों. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोदी के, वी फील वेरी ब्लेस्ड. हम सुरेखा जी की मेंटरशिप के अंदर काम कर रहे हैं, समीर जी के अम्ब्रेला के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, और आज मुझे ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए थे जो भगवान ने मोदी कर दे दिया. जो भी एक नेटवर्क करके, जहां एक आम इंसान के सपने होते हैं जब हमें किसी को प्लान डेमो करते हैं दोस्तों, आज आई फील वेरी कंफर्टेबल और आई फील वेरी प्राउड ये बात कहते हुए भगवान ने वो सारे सपने पूरे कर दिए दोस्तों. क्या क्या किया मैंने, कैसे मैं जीरो से हीरो बना, कैसे मैं जीरो से इस लेवल तक पहुंचा, कुछ हल्की हल्की फुल्की फुल्की आपको टिप्स दूंगा दोस्तों. सबसे पहले जब भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना होता है,
हम जब लोगों से बात करते हैं, हर तरह के अलग अलग लोग होते हैं, जैसे होते ना रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। जब आप घर से निकलते हो दोस्तों, तो आपको रेड लाइट भी मिलती है, येलो लाइट भी मिलती है और ग्रीन लाइट भी मिलती है दोस्तों। अगर हम ये सोचें कि नहीं मैं घर से तभी निकलूंगा जब ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। जब आप घर से चले स्टेशन तक पहुंचे या एयरपोर्ट तक पहुंचे, आपको हर चौक के अंदर या तो रेड लाइट मिलेगी या येलो लाइट मिलेगी या ग्रीन लाइट मिलेगी। लेकिन अगर आप चल पड़े घर से, तो ये सारी लाइट से गुजरते गुजरते आप एयरपोर्ट तक बहुत जरूर पहुंच जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, हमने जब डिसीजन लिया है घर से चलने का, तो रुकना नहीं है। कब तक नहीं रुकना? जब तक हम एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच जाते। सेम जब आप इस इंडस्ट्री में लोगों से मिलते हो, आपको तीन तरह के लोग मिलते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट मतलब भगवान चाहे आ जाए धरती पे, सुरेखा जी आ जाए, चाहे समीर जी आ जाए प्लान दिखाने के लिए, चाहे मैं दिखाऊं प्लान, वो कभी नहीं मानेंगे दोस्तों। सम पीपल आर बॉर्न कंफ्यूज, दे लिव कंफ्यूज, दे डाई कंफ्यूज। कुछ लोग जमांदरू इनएक्टिव होते हैं, उनको भगवान के भरोसे छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं येलो लाइट, जो प्रोस्पेक्ट होते हैं आपके। येलो लाइट मींस पीपल आर मिस इन्फॉर्म्ड। अगर हम उनको प्यार से बिठाकर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके उनको बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दे, वो कन्वर्ट होते हैं ग्रीन लाइट के अंदर। और जो ग्रीन लाइट वाले होते हैं दोस्तों, उनके अंदर तो वैसे ही आंखों में स्पार्क होता है। आप बात करोगे सपनों की, उनका टेम्परेचर वैसे ही बढ़ता जाता है। दे आर ऑलवेज एक्साइटेड। पहली अटेम्प्ट के अंदर ही दोस्तों वो एफएससी कर देते हैं, मैजिक कॉर्नर बना लेते हैं, अपनी डेमोक्रेट बना लेते हैं, सिस्टम के साथ प्लग होते हैं, वही लोग जीपीटी जाते हैं। लेकिन एक लॉ ऑफ एवरेज होता है दोस्तों, जो आप फील्ड में लोगों को टच करते हो, उसमें सभी आपको रेड लाइट नहीं मिलेंगे, सभी येलो लाइट नहीं मिलेंगे, सभी ग्रीन लाइट नहीं मिलेंगे। 20% मिलेंगे ग्रीन लाइट, 80% होंगे येलो लाइट और रेड लाइट दोस्तों। हमने चलते जाना। कब तक चलते जाना है? जब तक आपको आपके ग्रीन लाइट वाले नहीं मिल जाते या येलो लाइट वाले ग्रीन में नहीं कन्वर्ट होते। परवाह नहीं करनी दोस्तों, अगर ये सोचोगे कि मुझे सभी ग्रीन लाइट वाले लोग मिले, ऐसे कभी नहीं होगा दोस्तों। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सब रेड लाइट वाले मिलेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे भी कभी नहीं होगा। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दोस्तों। अब जब लोग कन्वर्ट होते हैं बिजनेस के अंदर आकर कंसल्टेंट बन जाते हैं, वहां भी चार कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं। ताश होती है ना, जो कार्ड हम खेलते हैं, पहला पत्ता होता है ईंट का, जो डायमंड जैसा निशान बनाता है। मतलब कुछ लोग बहुत ही इगोइस्टिक होते हैं, वो किसी की बात ही नहीं सुनते दोस्तों। ज्वाइन कर लेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं जी ये है वो है, ऐसे नहीं है, मैं प्रोडक्ट यूज कर लिया करूंगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ईगो बहुत हाई होती दोस्तों। एक होते हैं पान के पत्ते की तरह मीठी गोली, वो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। मैं जी कर लूंगा जी, मैं सॉपी भी कर लूंगा, डायरेक्टर कर दूंगा, ये कर दूंगा, एंड पे आके वो फोन ही नहीं उठाते। जब बात करोगे तो इतनी मीठी मीठी करेंगे, आपको लग गया यार ये तो मेरा जीबीडी है, उनसे बच के रहना है। एक होते चिड़िया का पत्ता, जो स्पैरो का पत्ता होता है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दे जस्ट ट्रेवल लाइक पेंडुलम, कभी मूड करेगा कर ले, कभी मूड करेगा ना कर ले, कभी कर ले कभी ना कर ले, देर अनप्रेडिक्टेबल। एक होते हैं हुक्म का पत्ता दोस्तों, बस हुक्म का पत्ता आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आप हुक्म के पत्ते आइडेंटिफाई करने लग जाओगे, जब हुक्म के पत्ते मिल जाएंगे ना दोस्तों, तब स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल जाती है। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि इस बिजनेस के अंदर, मैं कहीं रुका था तो कोई भाई साहब जा रहे थे, कहीं मिले थे, कंसल्टेंट थे हमारे, बोलते जी मैंने कितनी स्पीड के अंदर मैं काम करूं, मैं ग्रो कर जाऊंगा, कितने महीनों में मुझे 1,00,000 रुपया आएगा, कैसे होगा ये सारा। तो मैंने एक कहानी सुनाई उनको। एक बार क्या होता है, एक भाई साहब होते हैं, स्टेशन की तरफ जाना होता है उन्होंने, तो रास्ते में से पूछते हैं किसी से कि सर मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तो वो चुप रहते हैं। फिर पूछते हैं मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, फिर चुप रहते हैं। फिर पूछते हैं मैं कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, वो चुप रहते हैं। फिर वो भागना शुरू करते थे, पीछे से आवाज आती है 10 मिनट में पहुंच जाओगे। उसको गुस्सा था, फिर वापस आता, बोलता यार मैंने 3 बार तेरे से रास्ता पूछा, तूने बताया क्यों नहीं मुझे। तो उसने बोला मुझे पता नहीं था तू कितनी स्पीड से भागेगा दोस्तों। सेम दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप कितनी स्पीड से भागते हो, उससे पे ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब फास्ट 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 और उससे ज्यादा पैसा बनाते हो। सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप लोगों ने आगे ग्रो करना है तो आपको क्या करना है। एक होता है न्यू कंसल्टेंट, एक होता है न्यू कंसल्टेंट, एक होता है सीरियस कंसल्टेंट। ये देखो, ये मैं पेंसिल से एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो ये है न्यू कंसल्टेंट, ये सीरियस कंसल्टेंट जिसको हम बोलते हैं कोर कंसल्टेंट, ये है सफल कंसल्टेंट, सक्सेसफुल कंसल्टेंट, जो महीने का कम से कम 1,00,000 रुपया दोस्तों बनाता है। तो न्यू कंसल्टेंट को
सीरियस कंसल्टेंट बनने में, कोर कंसल्टेंट बनने में कितना टाइम लगता है, ये हर एक कंसल्टेंट के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा दोस्तों। लेकिन एक बार आप कोर बन गए, कोर से लेकर सक्सेसफुल कंसल्टेंट जिसकी मिनिमम मिलियनर क्लब में एंट्री होती है, वहां तक जाने के लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। ये टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स नहीं है दोस्तों। वाई? कुछ लोग पहले दिन से सीरियस होते हैं, कुछ लोग 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल में सीरियस होते हैं। तो जब आप न्यू कंसल्टेंट हो तो यहां तक पहुंचने के लिए ए बी सी, ए से बी तक पहुंचने के लिए सबका अपना अपना टाइम है, लेकिन बी से सी तक फिक्स है। अब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, वो आपके ऊपर है। कैसे पहुंचोगे आप? अगर आप वो काम करोगे जो एक सीरियस कंसल्टेंट करता है, क्या करता है, अपने प्रोडक्ट यूज करता है, 100 PV करता है, लॉयल्टी करता है, हर रोज डेमो प्लान करता है, नए नए कस्टमर बनाता रहता है, हर रोज मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग करता भी है। एक होती मीटिंग अटेंड करनी जैसे आप कर रहे हो, लेकिन अब ग्रो कब करोगे? जब मीटिंग अटेंड करने के साथ साथ खुद आप ऑर्गेनाइज करके मीटिंग करनी शुरू करोगे। जब आप सिस्टम के साथ प्लग हो जाते हो, अपलाइन के साथ प्लानिंग करते हो, गोल सेटिंग करते हो और कोड ऑफ एक्सिस को ब्रेक नहीं करते और टीम में डुप्लीकेशन करते हो सेम अपने जैसी दोस्तों, तब आप कोर कंसल्टेंट बनते हो। लास्ट पे एक ही बात पूछना चाहता हूं दोस्तों। एक बार किसी ने पूछा सफल होने के लिए मेहनत चाहिए और या फिर किस्मत चाहिए, तो एक ही बात दोस्तों मैंने बोली, जैसे बैंक के अंदर आपका लॉकर होता है ना, उसकी 2 चाबियां होती हैं, एक मैनेजर के पास एक आपके पास। जब तक वो दोनों चाबियां नहीं लग जाती तब तक वो लॉक नहीं खुलता। सेम दोस्त इस बिजनेस के अंदर भी, जो मेहनत वाली चाबी है वो आपके हाथ है और जो किस्मत वाली चाबी है वो भगवान के हाथ है। ठीक है, हमने अपनी मेहनत वाली चाबी लगा के रखनी है। भगवान जब चेक करेगा भी हमारी मेहनत पूरी होगी, किस्मत वाली चाबी भगवान अपने पर लगा देगा। जब दोनों चाबियां लग जाएंगी तो ताला खुल जाएगा, आप मिलियनर क्लब में आ जाओगे, आप जीबीडी बन जाओगे, महीने का 10 लाख आएगा, 1 करोड़ क्लब मेंबर बन जाओगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर मैं कर सकता हूं तो आप हमसे बढ़िया कर सकते हो। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच। 2 लाइन बोलना चाहूंगी, भुलाकर सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत हो जाना, दुनिया से कभी तो कभी अपने खुद से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनीष सर। जैसे आपने बताया कि इतनी अच्छी कंपनी में इतनी अच्छी सैलरी पर आप काम कर रहे थे, बट जो सपने थे वो बड़े थे। 2-व्हीलर पे जाकर के आपने जो है प्रोडक्ट्स के डेमोस किए, प्लान्स दिखाए, और उसके बाद आप एक सेलिब्रिटी सोसाइटी में आपने अपना बहुत अच्छे से घर बनाया है, और कहां 103 रुपए के चेक से स्टार्ट किया और सर आज आप 20 लाख तक पहुंच चुके हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट सर, एंड अ वेरी ग्रेट लेसन सर। 3 महीने की आपने हॉस्पिटलाइजेशन लिया और उसके बावजूद भी आपकी एनर्जी कम नहीं नजर आ रही, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको हमेशा देखा है सर, एज यूजुअल आप सेम और सेम एनर्जी। आई विश एंड आई एम ब्लेस्ड की आज मैं आपके साथ इस मीटिंग में हूँ। थैंक यू सो मच सर। और जैसे आपने एग्जाम्पल्स दिए सर, थैंक यू सो मच, रेड येलो और ग्रीन लाइट, तो डेफिनेटली हम सबकी लाइफ में आते हैं और हमें इन सारी लाइट्स को क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है। बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल। और एक और आपने दिया सर कार्ड्स का, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको नहीं भी समझ आया वो भी इस कार्ड्स की एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकता है अपने प्रोस्पेक्ट को और कैसे हमने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ काम करना है। 4th आपने बताया सर एबीसी फॉर्मूला, इट्स अ वेरी ग्रेट, मतलब ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है और बी और सी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और उसको हम इजीली क्रॉस कर लेते हैं। और सर वो जो सक्सेस की है मेहनत और किस्मत, तो सर इट्स अ ग्रेट एंड हैट्स ऑफ टू यू इतना इजी वे में हमें बताने के लिए सर, कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमारी किस्मत की चाबी खुलनी ही नहीं है, तो हमें उन दोनों को साथ में लेके चलना है और बिल्कुल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आपने शेयरिंग करा हमारे साथ, हमें बताया और अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुनाई, इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग लेसन फॉर अस। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारी संगीता दी, अगर आप रेडी हैं तो आप आए, नहीं तो मैं नेक्स्ट अपना सेशन के लिए इंफॉर्मेशन दे दूं। ओके, लेट्स मैं आपको बताती हूँ आज शाम के इवेंट के लिए, जो कि 6:30 जो हमारा, ओके दी वेलकम, हमारी ब्राइडल रेडी है। वेलकम संगीता जी, वेलकम अगेन। यस यस, 1 सेकंड। सो दिस इज अ फाइनल लुक ऑफ आवर ब्राइड, यू कैन सी, ये एक्जेक्टली पूरा अर्बन के प्रोडक्ट है, यू कैन सी नाउ, आई जस्ट टर्न इट अराउंड, सी हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग। वाओ, Beautiful Bride by Sangeeta Vishwakarma.
थैंक यू एवरी वन फॉर बींग एंड बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है बोली करके इतना ही कहूंगी आप इस प्रोडक्ट को यूज करके ना अपनी किस्मत भी बदल जाती है आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ मोदी कैरियर सो थैंक यू एंड ओवर टू यू थैंक यू सो मच थैंक यू संगीता जी तो फ्रेंड्स आपने देखा कि संगीता जी ने इतने कम टाइम में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्राइड को तैयार कर दिया है जो कि एक झलक हमारे सामने है आज शाम के उसके बारे में बताना चाहूंगी जो कि लीप जो हमारा सुरेखा मैम का जो रहता है शाम की मोदी केयर स्पेशल ट्रेनिंग जो है डॉक्टर रणवीर सिंह के थ्रू जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है वेलनेस और सप्लीमेंट गाइड के लिए हमें शाम की मीटिंग दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है फ्रेंड्स इसे जरूर देखिए और अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहिए जैसा कि ये पेंडेमिक टाइम है और हम जानते ही हैं कि हमें अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रखना बहुत जरूरी है तो हम इसी इनविटेशन के साथ मैं अपने इस सेशन का एंड करना चाहूंगी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल मुझे ये इतना बड़ा इवेंट और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक्स ऑल माई अपलाइंस एंड माई डाउनलाइंस एंड ऑल माई कलीग्स थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच